बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज के अंदर जो सबसे बड़ा इशू कोर इशू है वो कश्मीर है। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। हमारा मसला एक तो कश्मीर का, मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ दो इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के एक दोनों तरफ, जो इरादा कर लें कि हम मसला हल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। यह सारा इशू है क्यों? और यह है इशू कश्मीर की वजह से। अब मैं हिंदुस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि यह जो चार साल की जिस तरह का तशद्दुद और जुल्म हुआ कश्मीर के लोगों पे, क्या इस इन टैक्टिक से, ऑपरेशन से, जुल्म से क्या कश्मीर को सब्यू कर लेंगे कश्मीर के लोगों को? देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए?